अभी बस क्या हाल है, ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज आ गया हूँ मैं जल्दी घर पे, तो आज मैंने कहा कि रोशनी है, बहन की रोशनी में बनाते हैं ब्लॉग। तो जी आज आलू मामा ने पकाए हैं। अच्छा जी, क्यों नहीं खाने आपने? तो आलू तो रूटीन की सब्जी ना, तो वो तो खाने पड़ेंगे ना। मज़े के पकाए हैं मामा ने। चलो आपको अंडा ला देते हैं, आप अंडे के साथ खा लेंगे। तो और सुनाएं भी बस, आप सुनाएं क्या कर रहे हैं, ठीक ठाक है, उम्मीद करते सब खैरियत से ही होंगे। तो आपको ब्लॉग हमारे किस तरह के लग रहे हैं, आपने मैसेज में नहीं बताया हम लोगों को। तो इधर आए, आपको रजिया से भी मिलवाता हूँ। रजिया बना ली है रोटी, रजिया ने सालन वगैरह बना ली है। हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, मीत करके आप ठीक ठाक होंगे। अभी आपकी गाँव से ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो पता साहब थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो लाइट भी आप घर से सुबह से दे दी, अभी तक लाइट नहीं आई, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो मैंने पता उसको बोला कि फिर उसके पहले पहले पता नहीं लाइट कब आएगी, तो हम ब्लॉग बना ले आप ब्लॉग इस कैमरे भी बना रहे हैं, तो अपलोड फिर किसी के घर जाके कर लेंगे। हाँ जी, क्योंकि हमारा नेट पैकिंग भी खत्म हो गया। तो आप सब ठीक ठाक है, सब खैरियत से है। तो आलू मैंने बनाए, बच्चे लोग नहीं खा रहे हैं, देखे आलू तो मैंने काफ़ी मज़ेदार बनाए हैं, तो ये अभी भी कह रहे थे हमें नहीं खाने। तो आलू भी इनको गिफ्ट हुए हैं। तो आलू शीलाबाजी, जिस तरह के आपको पता था गाँव के, तो उनका जो शीलाबाजी के ससुराल वाले उधर रहते हैं, तो मतलब के लेके आए उधर से आलू, और घर की हल्दी भी लेके आए हैं, और घर की मिर्च लाल जो मिर्च है लाल मिर्च भी लेके आए। और वो आलू भी बहुत अच्छे हैं, ये नहीं है कि वो वाइट वाले नहीं है, सही वाले लाल आलू हैं। और वो सुबह मुझे देने के लिए आई थी, तो इन्होंने मुझे पहले कह दिया कि आज आलू तुम पकाओगी, तो वो वाकई मैंने आलू बना लिए, तभी ये नाराज़ हो रही है। निश्वा भी नाराज़ हो रही है, और मैरी भी, मैरी तो कह रही है कि मैंने नहीं खाने, मैं तो कोई और चीज़ खाऊँगी। तो मैरी आपको यही खाने पड़ेंगे आलू ही। नहीं, अच्छा नहीं, आपको रोटी भी खानी पड़ेगी ना। तो अभी मैंने सैलड तैयार की थी, तो ये लिशवा ने सैलड तैयार की है। तो ये थोड़ा थोड़ा सारा बांट के काम कर लेती है ना, दिया और लिशवा, जो मैरी तो अभी खेलती रहती है बस, काम वगैरह नहीं करती। लिशवा ने भी काफी दिनों के बाद काम, तो वो उधर दिया भी बात कर रही है अभी, बस काम नहीं करती। हेलो व्यूअर्स, कैसे मिस करते, ठीक होंगे। और आज भी बस अरिश्वा ने काफ़ी दिनों के बाद काम किया है, क्योंकि घर पे हम मामा और मैं ही करते हैं। अच्छा। मामा कर देती है कभी सफाई, कभी मैं कर देती हूँ, और आज अरिश्वा ने काफ़ी दिनों के बाद काम किया, और मैरी तो बस खेलती रहती है, आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। आज अरिश्वा ने पी है, वो आपके साथ हम शेयर नहीं कर सके, उस वजह से कि उस टाइम मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और काम क्या था, बस थोड़े हुए धुले कपड़े इसने तय किए, अच्छा और ज्यादा नहीं किए थोड़े से, और ये सैलेड बनाई है, और कोई काम नहीं किया। तो थोड़ा बहुत तो व्यूअर्स किया, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं काम अच्छा भी करती हूँ कि नहीं। व्यूअर्स मर्जी आती है तो काम करती है, वैसे नहीं मार खा लेती, लेकिन काम नहीं करती। तो मैरी भी ऐसी है, मैरी को भी जितनी बार बोलो काम नहीं करेगी, मर्जी से करेगी। तो शीला बाजी को मैंने आज बोला था कि आप आज 3 दिन हो गए अभी, बस आप लोगों की वजह से वो मेरे घर पे भी नहीं इतना आती, वो कहती है मैं आती तो मैं वीडियो में भी आ जाती हूँ, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता कि मैं वीडियो में आती हूँ, तो इस वजह से वो देख ले आप कितने दिन हो गए मेरे घर पे नहीं आ रही। तो बच्चे उनके आते हैं, तो चीज़ को भेजनी हो तो बच्चों के हाथ में भेज देते हैं इधर। तो अभी बस आपने इस तरह नहीं कहना, वो फ़ोन अपना ले लेंगे, फिर वो अपने व्लॉग बनाए करेंगी, तो वो फिर मेरी वीडियो में कम आया करेगी। तो लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो अपने घर पे खुश है, अपने बच्चों के साथ खुश है जी। कोई ऐसा मसला नहीं था जो आप लोग कहते हैं कि वो इधर आई रहती, पहले आप लोगों ने शादिया के बारे में कहा था कि शादिया चली गई, वो जल्दी आ नहीं रही, तो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उसकी बेटी को, शादिया को। वो छोटी बच्ची इधर ही पैदा हुई थी, जो बहुत अच्छा लगता था उसके साथ, हमारा टाइम पास हो जाता था, तो बच्ची का भी टाइम हमारे साथ अच्छा पास होता था। लेकिन वो इस तरह नाराज़ हो गई है कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप लोग कराची आए, तो हाँ जी जरूर आएंगे, थोड़े से हमारे लाती को हाँ जी जरूर आएंगे, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, सबको मिलेंगे। इंतज़ार करें, इंतज़ार जो है वो अच्छी चीज़ है, तो सब बहन भाइयों को मिलेंगे।
हाँ जी नहीं है जरूर आएंगे, हम ये नहीं कह रहे आप अभी से इंतजार करना शुरू नहीं, अभी से कर रहे हैं ना सब लोग इंतजार, तो हम जरूर आएंगे जब खुदा की मंजूरी होगी तभी हम आएंगे। तो जब भी आएंगे तो सब बहन भाइयों के पास आएंगे, वीडियो भी बनाएंगे इनके साथ। हाँ जी, और वीडियो जो उधर पहुँचेगा शेयर भी करेंगे, और आप लोग तो वन करीब ही हम लोग कराची में जाएंगे। हाँ जी, तो हमने सोचा था कि मिस्टर से पहले पहले जाए, लेकिन मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो आपको पता है कि ये देखो महीना भी खत्म हो गया, अभी हमने देना है, बिल भी देना है, इस वजह से बहुत मुश्किल। कल तक तो बिल तो आ जाना ना, फिर पहले तो बिल पे करेंगे, तो उसके बाद रेंट पे करेंगे। आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने काफी लोगों ने ईद की शॉपिंग भी कर ली है। हाँ जी, अभी तक हमने वो भी नहीं की, और बच्चे मेरे साथ बहुत ज्यादा नाराज होते हैं इस बात से, लेकिन उनको नहीं पता। चलो खुदा आगे दुआ करते हैं, खुदावन कोई ना कोई तो रास्ता खोलेगा। हाँ जी, तो आप अच्छा लोग हमें दुआओं में याद रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, वीडियो को बहुत टाइम पूरा दिया करें, और वीडियो को शेयर भी किया करें। तो आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग था जो हम लोगों ने आपको के साथ शेयर किया, पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। और वो क्या बनाया हम लोगों ने, इंस्टाग्राम, तो हाँ जी, हाँ जी, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, तो किसी ने भी हमसे बात करना चाहता है कोई, तो वो इंस्टाग्राम पे हमारे साथ बात कर सकता है। तो हम इस तरह के नहीं है कि हम इंस्टाग्राम पे कोई बात कर मतलब से करना चाह रहे तो हम नहीं करते, जितना हो सकता है हम करते हैं। तो काफ़ी कॉलें आती हैं, रिसीव करते हैं, बात करते हैं, सबसे करेंगे बात, सबको मिलेंगे भी, तो आपने हमारे साथ बने रहना है। प्यार की वजह से हम आगे निकल सकते हैं, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो जिस तरह हम लोग प्यार करते हैं आप लोगों के साथ, उसी तरह ही हमारे चैनल को आप प्यार दें। जी, तो आज हमारे छोटा सा ब्लॉग था जो हमने आपके साथ शेयर किया, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सबके लिए। खुदा हाफिज़।